लुहांस्क में रूसी सेना का बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन, रूसी टैंकों ने यूक्रेन के BTR-4 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह किए। BTR-4 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह, रूसी सेना ने यूक्रेनी बंकर्स पर किया जबरदस्त ग्राउंड अटैक। ऑटोमेटिक गन से यूक्रेनी जवानों पर जबरदस्त फायरिंग, रूस ने पूरे मिलिट्री ऑपरेशन का वीडियो किया जारी। बहुत ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। आगे आप यह भी देखने वाले हैं ईरान का ईगल 44 क्या है, लेकिन उससे पहले यह अहम खबर देखिए। बाखमुत में रूस यूक्रेन के बीच घातक जंग जारी, यूक्रेन की टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड का हमला, रूसी जवान पर बहुत बड़ा अटैक। RTB-7MA थर्मोबैरिक सिस्टम से दागे रॉकेट रूक यूक्रेन को, RTB-7MA थर्मोबैरिक सिस्टम बल्गेरिया से मिला। Сука, попал, блядь! Вон он! आमने सामने की लड़ाई में किस किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल और कैसे एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं रशिया और यूक्रेन के जवान, कहीं कोई ऊपर तो कहीं कोई। और अगली अहम खबर यह कि बखमुत की जंग में अजोव बटालियन का एक्शन, बखमुत बॉर्डर पर मौजूद रूसी जवानों पर बरसाया बारूद, अजोव जवानों ने हाउजर तोपों से किया जबरदस्त अटैक, हमले में रूस को बड़े नुकसान की खबर। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर ऊपर देख रहे होंगे, आज आप ये भी जानेंगे कि मिस्टीरियस गुब्बारों को अपने देश के आसमान में उड़ता देखने के बाद चीन को सीधी चेतावनी दी है बाइडेन ने, उसकी तरफ मैं आपको ले जाऊं। उससे पहले ये तीनों अहम खबरें आपके स्क्रीन पर। सबसे बाईं तरफ आप देख रहे हैं रूसी टैंकों ने किस तरीके से यूक्रेनी बंकरों पर किया ग्राउंड अटैक, बीचों बीच आप देख रहे हैं रूसी जवान पर अटैक किया गया। यहां RTB-7MA थर्मोबैरिक सिस्टम, वो जो एरोसॉल पर वैक्यूम बॉम्ब पर या फ्यूल एयर बॉम्ब पर काम करता है। और सबसे तीसरी तरफ आप दाईं तरफ अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं अजोव जवानों ने किस तरीके से हमला किया, हमले में रूस को बड़े नुकसान के दावे की बात भी की जा रही है।